हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हिमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी में स्वागत। दोस्तों, तो एक बार फिर जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ जो निकला हुआ था। इससे पहले जो है निकला हुआ था कहाँ पे, तो कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, दैट मीन्स UKMSSB उत्तराखंड मेडिकल सब ऑर्डिनेट सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाला गया था, ठीक है, 2021 में। तो उसी को जो है फिर से मॉडिफाई कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट नहीं भर पाए थे, ठीक है, उस समय फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो तो उसके लिए जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि वो दोबारा से फॉर्म फिलअप कर सके, ठीक है। तो मैं अभी पहले वाला भी नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और अभी जो मॉडिफाई करके जो वैकेंसी निकाली गई है तो उसका भी मैं दिखाऊंगा सारा डिटेल्स, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सारा का सारा डिटेल्स मैं बता दूंगा। तो देखिए, जैसे कि ये जो है पहले वाला आपका नोटिफिकेशन है, तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है देख लीजिए कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत विभिन्न राज्य के मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन सब वर्ग के रिक्त पद 306 पद जो वैकेंसी निकला हुआ था 2021 में, तो उसका देखिए ये जो है उसका लास्ट डेट था, कब से कब तक फॉर्म फिलअप किए थे। 13 अगस्त जो था विज्ञापन तिथि था और 16 से लेकर 15 सितंबर तक क्या था उसका फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है। बट उस समय क्या था कि उसमें पोस्ट क्या क्या निकली थी, तो यहाँ पर सारा चीज़ देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको नया जो नोटिफिकेशन दिखाऊंगा तो वो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाए। ये लैब टेक्नीशियन का पोस्ट था 104 टोटल, OT का था 62, CSST का था 63, रेडियोथेरेपी का था 5, ECG का था 4, ऑडियोमेट्रिक का था 2, ठीक था। बात क्या हुआ था कि पिछले समय जो था निकला हुआ था, ये वैकेंसी निकला था, तो उस समय था कि एक्सपीरियंस मांगा गया था, ठीक है, कि सरकारी कॉलेज से ही, सरकारी हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस मांगा गया था। बट उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने केस कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, वैकेंसी के ऊपर कि एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक्सपीरियंस जो मांगा जा रहा था तो वो सबके पास तो हो ही नहीं सकता है ना। तो इसके लेके जो दिक्कत हो रही थी स्टूडेंट लोगों के बीच में, उसी के चलते जो है केस कर दिया था। तो केस करने के बाद जो हाईकोर्ट में मामला गया, मामला जाने के बाद फिर से उसको हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि उसको हटाने के लिए कि जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फिर बाद में जो हाईकोर्ट का आदेश था कि एक्सपीरियंस नहीं मांगना चाहिए, तो उस पर इसी पर जो है आपका फिर से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो ये नोटिफिकेशन निकालने में क्या हुआ, तो अभी जो है सभी को ये जो है जो पुराने स्टूडेंट है उसके लिए भी और जो नए स्टूडेंट है जो फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे उसके लिए भी ये बहुत ही बड़ी एडवांटेज है, ठीक है, कि वो फिर से फॉर्म फिलअप कर सके। तो मैं सारा का सारा चीज़ दिखाऊंगा, चलते हैं अब नए नोटिफिकेशन की तरफ। इसके बाद मैं ये भी दिखाऊंगा आप कैसे जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, चलते हैं नए नोटिफिकेशन में। तो नया नोटिफिकेशन जो है आपका ये है, देखिए नया नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तराखंड कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड संशोधित विज्ञापन, क्या है संशोधित, माने उसी विज्ञापन को संशोधित कर दिया गया और इसमें जो है जितनी भी सारे वैकेंसियाँ निकली हुई थी ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो नया से नोटिफिकेशन जारी किया, जारी जो हुआ है 6 जनवरी 2022 को जारी हुआ है, ठीक है। इसका सारा डिटेल्स जो है आप वहाँ पर जा करके, इसकी वेबसाइट पर जा करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर बता दूँ कि क्या दिया हुआ है, लिखा क्या है संशोधित में, संशोधित करके जो निकाला उसमें क्या लिखा हुआ है। उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत टेक्नीशियन सवर्ग 2021 के अंतर्गत सीधी भर्ती चयन हेतु पूर्व विज्ञापन, पूर्व जो विज्ञापन था ये दिनांक 13 अगस्त में जो प्रकाशित किया गया था उसके बारे में बताया गया। उत्तराखंड शासन द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना नंबर इतना यह दिया है, दिनांक जो है 29 नवंबर 2021, चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन लैब OT जो भी जितने भी टेक्नीशियन है सारा का नाम दिया हुआ है, ठीक है। नियमावली 2021 द्वारा टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन OT जो ये सारा चीज़ दिया हुआ है पद हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या ये दिया था 13 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, माने वही बोला गया है कि जो इससे पहले जो निकला हुआ था इसी का सारा डिटेल्स बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल्स, है ना, क्योंकि इतना बताने में कोई फायदा नहीं है, आप लोग पढ़ेंगे ही पूरा, ठीक है।
अब नीचे देख रहे क्या क्या लिखा है इसमें, शासन द्वारा किए गए संशोधन के परिणाम स्वरूप, बोला गया संशोधन के बाद परिणाम स्वरूप अब ये अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु पात्र हो गए हैं जिनके पास 2 वर्ष की का अनिवार्य अनुभव नहीं है, जिसके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अब इस फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे, परंतु वे किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से संबंधित कार्य में प्रशिक्षण अनिवार्य के रूप से प्राप्त कर लिए हों, अतः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ है 13 अगस्त के क्रम में विज्ञापित पद लैब टेक्नीशियन, जो भी सारा पद दिया है उसका पदों हेतु उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग संशोधन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2021 के क्रम में प्रश्नगत पदों के हेतु ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर संशोधित विज्ञापन के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, संशोधित विज्ञापन में उपरोक्त अनुसार पूर्व में विज्ञापन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि निम्न प्रकार है, माने अभी नया से जो फॉर्म जो मॉडिफाई किया उसको फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा ये सारा चीज दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो है 6 जनवरी को इसका प्रकाशित कर दिया गया, मैंने बताया ऊपर में, ऑनलाइन आवेदन जो है 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया और ये चलेगा 27 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक चलेगा। ठीक है, और आवेदन जो शुल्क जो है जमा करना पड़ेगा नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 27 जनवरी तक। ठीक है, इसके बाद जो दिया गया है कि उक्त पदों हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, बोला गया जो पहले आवेदन कर चुके हैं जो भी स्टूडेंट उसको दोबारा से आपको फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पूर्व जारी किए गए विज्ञापन की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगी, माने जो भी उसमें पहले जो भी शर्तें थी सारा चीज जो है वही रहेगा, बट एक ही चीज चेंज हुआ है वो है आपका एक्सपीरियंस आपको नहीं लगेगा, बाद बाकी जितने भी था वहां पे जितने भी आपका डिमांड किया गया था जितने भी आपका वहां पे नियम एवं शर्तें थी सारा चीज वही रहेगा, सिर्फ एक्सपीरियंस को हटाया गया है। इसके बाद बोले आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि उपरांत किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा, टेक्नीशियन संवर्ग 2021 से संबंधित सूचना हेतु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट UKMSSB.org का समय समय पर अपलोकन करने के लिए बोल रहा है कि यदि कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए आप जो है इसका जो है आप वेबसाइट को अवलोकन करने के लिए बोला गया, और आप लोग कैसे इसको डाउनलोड करेंगे इस PDF को, तो और वैसे भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा आपको, क्या कहते हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो वहां से आप लोग जा करके डाउनलोड कर लेंगे, आपको दिखा देते हैं कैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपको ये भी हम दिखा देते हैं, तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर खोल लेंगे। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद देखिए मैं तो वैसे पहले सर्च किया था, तो UKMSSB। ठीक है, ये सर्च मारेंगे तो देखिए उसका और ऑफिशियल वेबसाइट जो है ओपन होगा। देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये सबसे ऊपर जो दिया है UKMSSB, इसे फिर क्लिक करना है ओपन होने के बाद। देखिए ये जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका खुल गया, किसका, उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ठीक है, क्या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो इसमें देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज समूह ग, इसमें नहीं, ये नहीं है, जो आपका ऊपर से जो है सेकेंड वाला लाइन, ये जो लाइन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कौन सा लाइन, तो ये जो है आपका देखिए लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राजकीय मेडिकल कॉलेज हेतु समूह ग के अंतर्गत टेक्नीशियन संवर्ग की कतिपय पदों पर भर्ती द्वारा चयन हेतु संशोधित विज्ञप्ति, और संशोधन करने के बाद जो विज्ञप्ति जारी किया है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद जो है देखिए इसका जो है डाउनलोड करने के लिए पूछा है, क्योंकि इससे पहले हम डाउनलोड कर चुके हैं इसीलिए बार बार पूछ रहा है कि आपको दोबारा डाउनलोड करना है कि नहीं, तो अपन नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले कर चुके हैं, इसीलिए हम जो है आपको जो है इस वेबसाइट का लिंक आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेक्निशियन। धन्यवाद।